अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सारे दोस्तों का की हाल चाल आ। मुंजी की आप कटाई शुरू करवाई है अजे, तो अज तकरीबन है दूसरा दिन, तो लेबर अपने तीन चार लग गई ने लगा तो कटाई कर रही ने, तकरीबन लग जाएंगे अजे दस एक दिन। तो रात खेत सौदा इधर देखो मुंजी पई है, उधर भी पई है, वह नज़र आ रही है, लेकिन मच्छरदानी लगा के सौदा क्योंकि मच्छर बहुत है। तो मच्छरदानी के उपर देखो किन्नी शबनम, सारे पानी के कतरे इधर देखो चो चो के थले इतने तक आए हुए, सारा बिस्तरा भी उपरों गिला होया पे, रजाई सारी गिली हुई है, सूरज भी निकलने वाला तकरीबन टाइम होना होना इस टाइम पौने एक सत्त। देखो साफ पानी अंदर आया पे, लेकिन मजबूरी है बाहर सौना क्योंकि आ जी मूंजी पई है जी इधर आ तो ढेरी बन गई है, तो उधर जी पई है वह हजे कुटदे तकरीबन लग जाएंगे तीन चार दिन, तो बाकी जी उधर आ उधर भी एक बंदा सौंदा, तो जिनी देर मूंजी नहीं कुट होंगी है कि नहीं चक होंगी बाहर तो सौना ही पैना, इन्हों की राखी तो करनी ही पैनी है। बिस्तरे में कर दें थोड़ा जहा खिलार दें, वजह कि धुप न सुक जाएगा, जिप कर दी यदि बंद। सोटी भी तो नीचे रख दी हूँ, चलते हैं जी फार्म ते। हाँ जी मैं अपने फार्म ते हाँ, तो जुकाम होया तबीयत थोड़ी ख़राब है क्योंकि रात में बाहर सोईदा, तो बाहर तरेल बहुत ज़्यादा पैंती है, तो आप हूँ फिलहाल एक गाँव के ना खुर बनाया तो बहुत ज़्यादा खुर खराब सी, तो उन्होंने मैं दिखाना
चंगे देख आया वली में तो दुआ बैठा हाथ च गांम के बनाए कच्चा बनाना चाहिए कच्चा बच्चे होना चाहिए सारा सारा पक्के रह रह के पिछली साइड है कच्ची है पैंथल 60 फुट पहले लगी है मैंने इन तो कोई दा नंबर दा मोर हो गया मिट्टी काट दी हूँ आप इन्हें इधर खुला छाड़ दिता ये खुर खुर साफ करते हैं एक पिछला खुर बहुत ज़्यादा ख़राब सी एक अगला होता आप चारे खुर ये मतलब साफ करते हैं यदा टैग नंबर है 112 ये हूँ 6वां सूआ सूई है तो इधर है कच्चा पिछे इधर इसलिए छोड़ी है साफ कच्चे तो फिरेगी ना ये पैर वगैरह ठीक हो जाएंगे उधर है सारा पक्का जिधर बड़िया गाव अपन पहलिया ने दुध वाली सारिया तो इसलिए आपने इधर छोड़ दिता बच्ची आप ज़्यादा रखी सी केज में तकरीबन 2 महीने की हो गई है तो इनू आप फिलहाल दुध काफ स्टार्ट और सिर्फ पानी ही दे रहे इतने तो 1 महीना आप ये होर केज रखा तो इनू ज़्यादा आप काफ स्टार्टर देता वा क्यों इसलिए इन बंद इधर रखे हुआ वा उधर भी बच्चियाँ आ गई ने खुलियाँ जड़ियाँ फिर रही ने तो इसलिए इनू ज़्यादा रखे ताकि असी ना थोड़ा जहा एक एक्सपैरीमेंट ही करना कि जड़ियाँ बच्चियाँ केज में ज़्यादा रखते हैं या जो खुलियाँ ने क्या ग्रोथ कि अच्छी ज़्यादा होंगी है वैसे उन्होंने बच्चों की नस्बत सानू यदि ग्रोथ ज़्यादा अच्छी लगी है लेकिन 1 महीना होर रखा तो फिर सही पता चलेगा कि डिफरेंस आया तो उन्होंने ये इसलिए असी केज रखिया तकरीबन माशाल्लाह तुम देखो काफ़ी हैल्थी है सुबह टाइम आप थोड़ा बहुत दाना पा दीदा तो उस तो बाद खुले फिरते रहते कीड़े मकौड़े ये वो खाते रहेंगे तो एक तो कीड़े मकौड़े ने इन्हों की ग्रोथ भी अच्छी होंगी है तो जल्दी मतलब कि जड़े ना ये पल जाते हैं इस साल तकरीबन अपनी जी गावं ने दुध आ रही थोड़ा दुध कम दे रही वो वजह कि जो अपने को सैलेज है ना वो जी दाना बहुत कम आ यह सैलेज अपना गर्मी वाली मक्की का वा क्योंकि इस बार गर्मी की वजह ना दाना नहीं पिया थोड़ा बहुत 6-4 ही दाना तकरीबन कह लो 1 किले तकरीबन कोई 5 मन जोड़े दाने बनते सीने खोगे तो जिसकी वजह ना गावं मतलब जो दुध वा वो कम मतलब जिदा जी पिछले साल अपनी जिस गां ने 30-32 लीटर दुध दिता ना वो इस बार दे रही है 28-27 इस तरह जो 28 लीटर दिता वो 24 लीटर दे तो मकई लगाई हुई है तकरीबन 1 महीने तक कोई तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह जो वो तैयार होगी फिर आप जो ये सैलेज अपने को जो पहले पिया वा ये आप फिर बच्चे पाया करा जोड़ा दाने वाला सैलेज होगा वो जी गावं दुध वाली वा उन्होंने पाया करा ताकि जी दुध की पैदावार बेहतर हो क्योंकि सैलेज ना ही दुध वा अगर सैलेज नहीं है ना जीडिया गावं आस्ट्रेलियन खास तौर पर इन्हें को दुध लेना जरा मुश्किल आ क्योंकि रोजाना बंदा सबल चारा या चंगे पट्ठे नहीं मिलते है 2-4 दिन मिलने बिच फिर मतलब खत्म हो जाएंगे और फिर शॉर्टेज आ जाएगी जानवर फिर दुध कम हो जाएगा जो जानवर फिर एक बार दुध कम हो जाए फिर दोबारा दुध तो लैके आना जरा मुश्किल हो जाता वा क्योंकि वह फिर वो एक जगह पर ही टिक जाता इसलिए सैलेज जरूरी है अगर तुम कमर्शियल डेयरी करनी है तो सैलेज तो अलावा ये काम नहीं हो सकता तो
अपने को तो पहले एक दो ही गाँव से उन्होंने ही आप वधाइया ने अपने को मुल नहीं लिया बस ए आई करते रहे ए आई दिन वाली अपनी मतलब कि जो गाँव से माशाला अगे वधिया ने जिन्हें मतलब कि गाँव अच्छी ही बनिया दुध वाली जिदा पहले अपने को गाँव 15 से 16 लीटर दुध देने वाली तो सीमेंट रखते रहे जी अपने को अगर तीसरी नस्ल आई वो माशाला 30-32 लीटर से आ गई इस तरह आप अपनी ब्रीड तैयार की है तो इंशाल्लाह तुम्हें मजीद इनफॉर्मेशन देते रहेंगे तो अगर तुम्हें आज मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल वीडियो लाइक और चैनल में सब्सक्राइब कर दो शुक्रिया।